आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत किन किन व्यक्ति को यहाँ पे मोबाइल दिए जा रहे हैं और यदि आपको भी दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपको फ्री वाला मोबाइल दिया जा रहा है या नहीं, और किन किन व्यक्ति को यहाँ पे मोबाइल दिए जाएंगे उसकी लिस्ट या फिर उसका आप कैसे पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि यदि आप पता करना चाहते हैं कि आपको मोबाइल दिया जा रहा है या नहीं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के अंदर गूगल को खोलना है और गूगल को खोलने के बाद जन सूचना पोर्टल यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे जन सूचना पोर्टल पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे आपको ये जो ऐड मिलती है तो यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करके कैंसिल करना है। और इसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर मिलता है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की पात्रता, तो आपको उस पर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद यदि आप पता करना चाहते हैं कि यहाँ पे जो फ्री वाला मोबाइल है वो किन किन को दिया जा रहा है, तो यहाँ पे आपको नीचे सेलेक्ट सिम्स का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको उस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप पता कर सकते हैं कि जो फ्री वाला मोबाइल है वो किन किन को दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो विधवा या फिर एकल नारी है जो कि यहाँ पे है तो उनको दिया जा रहा है। दूसरा जो नरेगा में जिसने 100 दिन पूरे कर लिए 2022-23 सन में, मतलब 2022 और 23 तक 100 दिन नरेगा में पूरा किया है, उनको यहाँ पे मोबाइल दिया जा रहा है। तीसरा इंदिरा गांधी शहरी योजना में जिसने भी 2022 से 23 के बीच में 50 दिन पूरे किए उनको दिया जा रहा है। उसके बाद वो छात्राएं जो कि गवर्नमेंट में पढ़ती है, जो कला वाणिज्य विज्ञान या फिर संस्कृत पॉलिटेक्निक आईटी इनमें से किसी भी वर्ग में है तो उनको भी यहाँ पे फ्री वाला मोबाइल दिया जा रहा है। और यहाँ पे जो आप अंतिम देख सकते हैं कि 9वीं से 12वीं की वो छात्राएं जो कि सरकारी विद्यालय में पढ़ती है उनको यहाँ पे फ्री वाला मोबाइल दिया जा रहा है। तो अब यहाँ पे आप सुनिश्चित हो चुके होंगे कि किन किन व्यक्ति को यहाँ पे फ्री वाला मोबाइल दिया जा रहा है, और यदि आप इनमें से किसी भी श्रेणी में आते हैं तो यहाँ पे आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे आप 50 दिन इंदिरा गांधी शहरी योजना में पूरे कर लिए 2022 से 23 के बीच में, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपको अपना जो जन आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आपको लगाने हैं। जन आधार कार्ड नंबर लगाने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है, और सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जन आधार कार्ड के साथ जो जो यहाँ पे नाम रजिस्टर है वो नाम यहाँ पे दिख जाते हैं। अब यहाँ पे आप जिसका भी दिखना चाहते हैं उस नाम को यहाँ पे इस प्रकार से सिलेक्ट करना है, और इसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। और सबमिट पे क्लिक करने के बाद यदि आपका जो नाम है वो फ्री वाले मोबाइल के अंदर आ रहा है तो यहाँ पे आपको इस प्रकार का मैसेज मिलता है जिसमें यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि आपको मोबाइल दिया जा रहा है। और यदि आपको मोबाइल नहीं दिया जा रहा है, मतलब आपका जो नाम है इस लिस्ट में नहीं आया है, तो यहाँ पे आपको ऐसा मैसेज मिलता है जिससे कि आप यहाँ पे कंफर्म हो सकते हैं। तो यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।